करनाल की पुरानी अनाज मंडी में आज लोकतंत्र सुरक्षा मंच के युवा शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाजपा सांसद राजकुमार सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सम्मेलन में उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के नौजवान पहुंचे हुए थे। इस मौके पर सांसद राजकुमार सैनी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया। लोग राजकुमार सैनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते रहे। सांसद ने लोगों से 5 काम करने का वायदा कर उन्हें सत्ता की चाबी देने का आह्वान किया। सांसद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार कुछ लोगों के आगे पंगु बनकर रह गई है, जिस कारण दूसरे वर्ग के लोगों के मन में इस सरकार के प्रति खटास भर गई है। आने वाले चुनाव में लोग अपने मन की खटास निकालेंगे तो सत्ता की कुर्सी पर अंधे हुए बैठे लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उन लोगों को नौकरी देने व आरक्षण देने का काम किया जिन पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। सैनी ने कहा कि हम लोगों के बीच अपने 5 मुद्दे लेकर जाएंगे जिसकी जनता आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हम अब प्रदेश के अंदर हुए भेदभाव के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा में हुए तांडव के खिलाफ हम अपना जो प्रदेश के अंदर हुआ उसका विरोध इसलिए दर्ज कराया कि इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत वाली पार्टी भी कुछ लोगों के आगे सरेंडर कर गई और उनको आरक्षण देने के वायदे करने लगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया था। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें एक राजनीतिक नए दल की गठन की जरूरत पड़ गई है और हम लोकतंत्र सुरक्षा मंच के माध्यम से ही इस प्रदेश में हुए भेदभाव को 5 मुख्यमंत्रियों ने जो भेदभाव किया, 10% लोग 50% पे काबिज हैं और 90% लोगों के पास 40-45% ही उनके पास उनको हिस्सा मिला, और जिसमें विशेष तौर पर बैकवर्ड क्लास को तो 52% लोगों को 10% ही नौकरियों में हिस्सेदारी में। देखिए, प्रदेश के अंदर जो बीज भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बोया था वो आज बहुत बड़ा हो गया है, और प्रदेश के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को बहका करके आरक्षण देने की कवायद की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों का की पालना करने की बजाय सरकार लीपापोती करने लगी, लोगों ने प्रदेश में आग लगा दी और उसके बाद डर करके सरकार ने उनको नौकरियां और मुआवजे दिए, आरक्षण दिया, जिसको हाई कोर्ट ने स्टे किया और ये पूछा सरकार से कि आखिर ये बताएं कि इस जाति की कितनी जनसंख्या है और उनके पास कितने पद हैं। तो इससे साबित हुआ कि 10% लोग 50-55% पे काबिज हैं और जो 90% लोग हैं वो 40-45% के अंदर महरूम है। घोषणा हमारी जैसे ही हमारे पास पार्टी की रजिस्ट्रेशन हाथ में आ जाएगी हम उसी दिन घोषणा कर। बीजेपी तो जो है आजकल अपने वो रोड मैप को रोड शो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रही है। अब मुझे नहीं लगता कि ये तो विपक्ष का काम होता है, सरकार को तो अपने रोड मैप के काम के जरिए से आंकलन कराया जाता है। अगर पक्षधर लोग भी सरकार भी अगर प्रदर्शन करने लगी तो किसके खिलाफ प्रदर्शन। आज न्यूज के लिए करनाल से MS निर्मल।